दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज हम हाजिर हुए आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है कि SSC JEE की 2018 से 2014 तक की कट ऑफ क्या रही, किस साल कट ऑफ घटी और किस साल कट ऑफ बढ़ी। इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर दिखाया जाएगा किस साल की कितनी कट ऑफ रही। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अपडेट लगातार दिए जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, SSC JEE का जो पेपर है वो दो पार्ट में होता है। एक तो पहला होता है पेपर प्री, दूसरा पेपर होता है मेंस। जो पेपर प्री जो होता है वो होता है आपका 200 नंबर का, जो मेंस होता है वो आपका 300 नंबर का। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी 2018 की SSC JEE की कट ऑफ क्या रही। तो दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ जो रहती है वो हमेशा सेम रहती है, और जो सिविल की कट ऑफ होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हमेशा ही कम रहती है। इसका कारण यह है कि सिविल में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं और इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के मुकाबले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2018 के SSC JEE की कट ऑफ, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है। जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 152, यानी कि 152.16, जो कि SSC JEE की आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है। और जो EWS की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 147.47। और दोस्तों, जो OBC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 149.30। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर EWS की कट ऑफ OBC से कम रही थी। अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि ये EWS क्या है, EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हमने पहले ही एक दो वीडियो तैयार की हुई हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो SC की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 133, और जो ST की कट ऑफ थी वो थी आपकी 125.49। और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पेपर टू की कट ऑफ थी, वैसे दोस्तों कभी भी SSC पेपर टू की कट ऑफ स्पेशल नहीं देता है, वो हमेशा पेपर टू और पेपर वन की फाइनल कट ऑफ देता है, जो कि 500 में से होती है। तो इसमें हमने जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें से प्री की कट ऑफ घटाकर पेपर सेकेंड की कट ऑफ निकाली है, तो उसकी जो जनरल की जो कट ऑफ रही है पेपर टू की वो थी आपकी 152.45, और जो EWS की जो कट ऑफ है वो है आपकी 151.46, और जो OBC की कट ऑफ है वो है आपकी 106.26, और जो SC की कट ऑफ है वो है आपकी 84.74, जो ST की कट ऑफ है वो आपकी 90.03। ये पेपर टू की कट ऑफ थी। और जो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, जो कि 500 नंबर में से होती है, वो है आपकी जनरल की कट ऑफ थी 304, यानी कि 304.61। और जो EWS की कट ऑफ रही थी ओवरऑल वो थी आपकी 298.93, यानी कि 298.93, जो कि जनरल और EWS में जो अंतर रहा था वो था आपका करीब 6 नंबर का। और OBC की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 255.56, और जो SC की ओवरऑल कट ऑफ थी वो थी आपकी 217.74, और जो ST की कट ऑफ थी वो थी आपकी 215.52, और जो आपकी सिविल की जो कट ऑफ रही थी, हाई दोस्तों सिविल की कट ऑफ हमेशा ही कम रहती है क्योंकि सिविल में वैकेंसी ज़्यादा रहती हैं। तो जो सिविल की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी आपकी 127.45, 127.4, और जो EWS की कट ऑफ थी सिविल की वो थी आपकी 118.99, और जो OBC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 122.91, यानी कि 122.91, और जो SC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 107.61, और जो ST कट ऑफ थी वो थी आपकी 107.01। ये जो कट ऑफ थी वो थी आपकी प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ, और जो पेपर
फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जॉब जिसमें जो कंबाइंड जो कट ऑफ थी वो थी आपकी सिविल की जनरल की कट ऑफ थी 250.4 यानी कि 250.4, और जो EWS की कट ऑफ थी वो थी आपकी 229.05, और जो OBC की कट ऑफ थी ओवरऑल वो थी आपकी 209.38, और जो SC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 193.68, और जो ST कट ऑफ थी दोस्तों वो थी आपकी 210.54। ये थी आपकी सिविल 2018 के SSC JEE की पेपर की कट ऑफ। अब दोस्तों बात करते हैं SSC JEE 2017 की कट ऑफ क्या थी। तो दोस्तों SSC JEE 2017 की कट ऑफ SSC JEE 2018 से कम थी। तो जो जनरल की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जनरल की कट ऑफ थी वो थी आपकी 136.25, और जो OBC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 133.25। यहाँ पर दोस्तों EWS की कट ऑफ नहीं ली जाएगी क्योंकि EWS 2018 में ही लागू जो पेपर हुआ था, जब भी लागू हुआ था तो उस पेपर ने इसलिए जुड़ा था, और ये 2020 का जो पेपर आएगा उसमें भी EWS जुड़ेगा। और दोस्तों आपकी SC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 120, और ST कट ऑफ थी आपकी 114.50, और जो OH की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 113, और जो HS की कट ऑफ थी वो थी आपकी 83.850, जो कि आपके दिव्यांगों और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती हैं ये। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ओवरऑल कट ऑफ जो 500 नंबर में से रही थी वो थी आपकी जनरल की 303.5 यानी कि 303.50, और जो OBC की कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 299, और जो SC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 268.50, और जो ST कट ऑफ थी वो थी आपकी 265.50, और जो OH की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 247.50, और जो HS की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 160.75। अब दोस्तों बात करते हैं SSC JEE की जो सिविल की जो 2017 में जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। इसमें भी दोस्तों सिविल की कट ऑफ काफ़ी कम रही थी, जो कि है जनरल की कट ऑफ है वो है आपकी 117, और जो सिविल पेपर जो ओवरऑल जो सेकंड पेपर की कट ऑफ थी वो थी आपकी 244.74, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो OBC की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 110.75, और जो ओवरऑल कट ऑफ थी वो थी आपकी 244.75, और जो SC की कट ऑफ थी प्री पेपर की वो थी आपकी 101.75, यानी कि 101 कट ऑफ रही थी 200 आउट ऑफ 200, और जो ओवरऑल जो कट ऑफ रही थी 500 में से वो थी आपकी 220.75, और जो ST की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 105 यानी कि 105, और जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 228 यानी कि 228, जो OH की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 91.5, और जो HH की कट ऑफ थी वो थी आपकी 61.75, और जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी OH की वो थी आपकी 231.25, और जो HH की कट ऑफ थी वो थी आपकी 152 यानी कि 152। अब दोस्तों बात करते हैं SSC JEE 2016 की कट ऑफ की। तो दोस्तों 2016 में और SSC JEE की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी हद तक घट गई थी, जो कि SSC 2018 के मुकाबले जो कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। वो थी आपकी जो जनरल की जो कट ऑफ रही थी SSC 2016 के जो पेपर में वो थी आपकी 150 यानी कि 115, 200 में से 115 पर प्री की कट ऑफ लग गई थी, फाइनल कट ऑफ थी। और जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी SSC JEE 2016 की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वो थी आपकी 285.76 यानी कि 285.76, और OBC की जो कट ऑफ रही थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वो थी आपकी 104.5 यानी कि 104.5, और जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी आपकी वो थी आपकी 246.75, और जो SC की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी मात्र 99 यानी कि 99 कट ऑफ थी आपकी आउट ऑफ 200 यानी कि 50% भी कट ऑफ नहीं थी आपके पेपर की जो SC वालों के लिए कट ऑफ थी।
और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी एससी की वो थी आपकी 210.53, यानी कि 210.53। और जो एसटी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 94.5, और जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 206.5, यानी कि 206, 500 में से 206 नंबर पर आपका एसएससी जेई में सिलेक्शन हो गया था एसटी वालों का। और जो ओएच की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 87, और जो एचएच की कट ऑफ थी वो थी आपकी 54, यानी कि 54। और ओवरऑल कट ऑफ थी आपकी ओएच की 205.25, और जो एचएच की कट ऑफ थी वो थी आपकी 126। अब दोस्तों बात करते हैं 2016 की जो सिविल की कट ऑफ क्या रही थी एसएससी जेई के एग्जाम में। जो सिविल की कट ऑफ थी दोस्तों वो थी आपकी जनरल की कट ऑफ 100, यानी कि 200 में से 100 नंबर पर जनरल वालों का एसएससी जेई 2016 में प्री क्वालिफाई हो गया था, यानी कि 50% नंबर पर जनरल वालों की कट ऑफ लगी थी एसएससी 2016 की, जो कि काफ़ी हद तक घट गई थी इसमें। और जो ओवरऑल जो कट ऑफ थी जनरल की 2016 में वो थी आपकी सिविल वालों की 220.5, यानी कि 220.5, यानी 500 में से 220.5 पर एसएससी जेई क्वालिफाई हो गया था। और इसके बाद जो ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 92.2, यानी कि 92.2। और जो ओवरऑल जो सिविल की जो सेकंड और फर्स्ट पेपर की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 186, ये भी काफ़ी हद तक कम थी ओबीसी के लिए। और जो एसएससी जे जो 2016 की जो एससी कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ थी सिविल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, वो थी आपकी 84 2016 में दोस्तों, 84 नंबर पर आपका प्री क्वालिफाई हो गया था, और 164 पर आपका टोटल क्वालिफाई हो गया था, जो कि 500 में से 164 पर सिलेक्शन हो गया था पेपर फर्स्ट और सेकंड की जो कट ऑफ रही थी। और जो एसटी की कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 85 प्री की, और जो मेंस और प्री और मेंस की जो रही थी वो थी आपकी 163.75। और जो ओएच की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 72.5, और एचएच की कट ऑफ रही थी आपकी मात्र 40, और ओवरऑल कट ऑफ थी इनकी 139.50, और एच एच की कट ऑफ थी ओवरऑल 87.50। तो ये दोस्तों 2016 की कट ऑफ थी। अब दोस्तों बात करते हैं 2015 की जो पेपर की कट ऑफ क्या रही थी। 2015 की जो पेपर की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पेपर की जो कट ऑफ थी, इसमें पेपर की जो कट ऑफ हुई थी वो बढ़ गई थी, वो थी आपकी 131, यानी कि 131। और जो पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 107, और जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो थी आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 125, और जो मैकेनिकल पेपर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पेपर टू की कट ऑफ थी वो थी आपकी 62। अब मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि मैं इसमें पेपर टू की कट ऑफ कैसे बता रहा हूँ, कि दोस्तों जो एसएससी जेई 2015 से, इससे पहले एसएससी जेई में इंटरव्यू होता था, पेपर प्री होता था, मेंस होता था, और इसके बाद जो तीसरा जो होता था वो था आपका इंटरव्यू। और जो 2015 के बाद इंटरव्यू को हटा दिया गया है, 2015 से पहले इंटरव्यू होता था, इसलिए जो 2015 से जो पहले कट ऑफ जाती थी वो काफ़ी कम जाती थी प्री और मेंस की, और प्री और मेंस के अलग अलग रिजल्ट आते थे, उसी के हिसाब से मैं आपको इसमें कट ऑफ बता रहा हूँ कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो कट ऑफ है ये ओवरऑल कट ऑफ नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि ये पेपर टू की जो ओवरऑल कट ऑफ है इसमें ओवरऑल नहीं है। इसमें जो एससी की जो कट ऑफ रही है 2015 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वो थी आपकी 114, और जो पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 50, यानी कि 300 में से 50 नंबर पर एसएससी जेई का मेंस क्वालिफाई हो गया था। और इसके बाद जो एसटी कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 105 प्री की, और जो मेंस की रही थी वो थी आपकी 50, और ओएच की जो रही थी वो थी आपकी 100, और एचएच की रही थी आपकी 80। तो 2015 का काफ़ी हार्ड भी रहा था,
जो कि आपकी 2016 से भी कठिन है, इसमें इंटरव्यू भी है। और दोस्तों फिर आपकी जो सिविल की जो कट ऑफ रही थी 2015 में, सिविल की तो आपको पता ही है कि हमेशा से ही कम रही है, ये आप चाहे इंटरव्यू से पहले हो चाहे इंटरव्यू के बाद, वो हमेशा से ही रही है जिसकी कट ऑफ कम। तो दोस्तों सिविल की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी आपकी 103, 103, और जो जनरल की जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ थी वो थी आपकी 131, यानी कि 131, कितना अंतर है इसमें। और जो आपकी सिविल के जो पेपर सेकंड की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 131। और जो ओबीसी की जो कट ऑफ थी 2016 में सिविल की वो थी आपकी 91.25, और जो सिविल के पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 60, यानी कि 60-60 नंबर पर पेपर क्वालिफाई हो गया था मेंस। और एससी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 88, जो कि 2015 में सिविल की थी प्री मेंस प्री की, और जो मेंस की थी वो थी आपकी 50। और एसटी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 87, और जो पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 50, और ओएच की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 78, और एचएच की थी 30, यानी कि 30 नंबर। और जिनकी पेपर टू की जो कट ऑफ थी ओएच और एचएच की वो थी आपकी 14, यानी कि 40। अब दोस्तों बात करते हैं 2014 की कट ऑफ की। 2014 की जो कट ऑफ रही थी जनरल की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वो थी आपकी 117.5, 117.5। और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पेपर टू की जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 215, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 109.5, और पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 180, और एससी की जो कट ऑफ थी आपकी वो थी आपकी 102.5, और जो एसटी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 93.75, और जो पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 126, और सिविल की जो कट ऑफ थी 2014 में वो थी आपकी 93.75, और पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 136, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 75.75, और ओवर पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 100, और जो एससी कट ऑफ थी वो थी आपकी 70, और एसटी कट ऑफ थी आपकी 82, और पेपर टू की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 80, और एससी में और एसटी में आपकी कट ऑफ थी 79। तो ये दोस्तों आपकी 2018 से लेकर 2014 तक की पूरी एनालाइज थी कट ऑफ की। इस प्रकार से कट ऑफ आपकी घटी हैं बढ़ी हैं, वैसे अधिकतर घटी नहीं है, ज़्यादातर बढ़ी हैं। और जो 2020 की जो कट ऑफ रहने वाली है वो अनुमानित रह सकती है कि 200 152 से और ही ज़्यादा हो, क्योंकि एसएससी जेई की कट ऑफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर दोस्तों आपको इस कट ऑफ की ढंग से एनालिसिस करने के लिए अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। आप हमारी जीमेल आईडी पर एक मैसेज लिखकर सेंड कर सकते हैं कुछ भी, जिसकी जीमेल आईडी जो नीचे दी गई है वो है chandramohanelecinjineer@gmail.com। तो दोस्तों आप इस पर लिखें, मैसेज करें, मैं आपको जल्द से जल्द इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक इसको ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके बताना कि यह वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही अपडेट के जुड़ने के साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो इसके बाद जो अगला टॉपिक होने वाला है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, वो है आपका SSC JEE में जो टेक्निकल पोजिशन जो होता है उसका, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का एनालाइज अगली वीडियो में दिया जाएगा, जो कि जल्द ही 1-2 दिन में आ जाएगी। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए आप लगे रहिए, धूम मचाते रहिए।